जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन आप लोग। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती देता था फरमाए। अच्छा जी, एक दोस्त हैं दुबई से, मोहम्मद साजिद साहब हैं, वो बिलोंग तो पाकिस्तान से करते हैं लेकिन अभी दुबई में हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, लिखते हैं कि मेरी उम्र 35 साल है और दिल की बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, किसी के सामने, सीनियर के सामने अच्छे तरीके से मैं बात नहीं कर सकता, और इसके अलावा जी जो चीज़ें मुझे हैं वो याद नहीं रहती। और लिखते हैं कि सेक्स के हवाले से इंतशार हो जाता है लेकिन मैं सेक्स कर नहीं पाता, जस्ट 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर अंदर इंजाल हो जाता है और मैं ज़ौजा को मुतमिन नहीं कर सकता। तो कहते हैं जी इसके हवाले से कोई रहनुमाई दें। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने मुझे यूरिन सेंड किया है उसके अंदर बुलबुले हैं और वो ठीक ठाक बुलबुले बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो हालांकि आपने उसके अंदर कोई मीठा सोडा वगैरह नहीं डाला। दूसरा, उसका रंग जो है वो इंतहाई डार्क येलोश और सुर्खी माइल है। तो इसका एक, और दूसरा जो आपने बताया कि कब्ज़ रहती है, कभी दिन में एक बार खाना आता है और कभी दो दो दिन तक नहीं आता, और तीसरी चीज़ आपने बताई है कि गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेट में पैदा होती हैं। तो देखिए तबखीर जो उजलाती गुद्दी मिजाज में पैदा होती है, यानी खुश गर्म मिजाज में पैदा होती है, उसके अंदर ये ही हालात होते हैं। दिमाग मुतमिन नहीं रहता, जहनी तौर पर आप परेशान रहते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है और पेशाब जो है वो कम मकदार में आता है जला हुआ, और उसके साथ साथ उसका कलर जो है वो आपको डार्क येलोश जो है और रेडिश माइल होगा, सुर्खी माइल होगा। तो इन सारी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपने चूँकि सवाल सिर्फ ये पूछा है कि मैं हक़ ज़ौजियत जो है वो सही तरह से अदा कर पाऊँ, उस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा दें। तो देखिए, अगर आपका मिजाज सर्द खुश्क या सुदावी होता तो आप हक़ ज़ौजियत अच्छी तरह से सर अंजाम दे पाते। खुश्क गर्म मिजाज जो कि रियाई मिजाज है, इसमें हक़ ज़ौजियत अच्छी तरह से अंजाम नहीं दिए जा सकते। गर्म खुश्क या सफरावी मिजाज जिसमें सुखा की जाती होती है, उसमें भी हक़ ज़ौजियत अच्छी तरह से अदा नहीं होते, और इस तरह से असाबी या बलगमी मिजाज जो है उसमें भी हक़ ज़ौजियत अच्छी तरह से अदा नहीं होता। और मेरे भाई, मर्द का जो मिजाज है वो सर्द खुश्क या सुदावी मिजाज ही होता है, और औरत का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क या सफरावी मिजाज होता है। इसके पीछे भी कई एक वजूहात हैं। मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहनुमाई दी है, और इसके अलावा तिब यूनानी के बाकी जो बहुत ज़्यादा लोगों ने तिब के ऊपर काम किया है, जिसमें सुफरा, सुदा, बलगम और रिया को अच्छी तरह से समझाया गया है, खून को अच्छी तरह से समझाया गया है, इखलात को समझाया गया है, और हमें बताया गया है कि किस चीज़ में अगर परेशानी हो तो उसके क्या क्या असबाब होते हैं। तो देखिए, आपका जो मामला है वो रियाई मामला है, खुश्की गर्मी का मामला है। तो तिब यूनानी कहती है कि अगर आपके बॉडी के अंदर खुश्की गर्मी पाई जाती है तो आपने इलाज करना है जी तर और साथ में सर। तो यहाँ पे तर सर्द इलाज आप करेंगे दो या तीन दिन के लिए, जब आप देखें कि आपकी खुश्की और गर्मी जो है वो नॉर्मल हो गई है तो आप इलाज को मज़ीद जारी ना रखें, उसको छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आप बैलेंस रहेंगे, उसके बाद अपनी बैलेंस डाइट जो है उसको एक शेड्यूल बना लें। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कोई भी खुश्क गर्म या गर्म खुश्क चीज़ नहीं खानी। दूसरा, दूध का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। तीसरा, अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल विटामिन्स ए और ई मिल जाएं, वहाँ से दुबई से मिल जाएंगे, आप उनको लें, वक्ती तौर पर उनका भी साथ में इस्तेमाल करें, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। इसके बाद एक नुस्खा है, वो आप बना लें और उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए और दूध आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सब्ज़ियाँ जो हैं उसमें आप जो हमारे यहाँ कद्दू, तोरी, टिंडा, घिया, पेठा या फिर इस तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं,
जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं वो आप इस्तेमाल करें। आपको प्रोटीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। नुस्खा नोट फरमा लें, नुस्खे के अंदर बहुत ही थोड़े और बहुत ही मुफीद अज्जा हैं। सबसे पहली चीज़ है जी इसमें मूसली सफ़ेद, दूसरे नंबर पर दाना इलायची खुर्द या छोटी इलायची के दाने, तीसरे नंबर पर सौंफ या बादियान, चौथे नंबर पर आप इसमें कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं या कोई भी खीरे के बीज भी आप इसमें डाल सकते हैं। और एक चीज़ इसमें आपने डालनी है जी, सालब मिस्री या सालब पंजा। दोबारा से सुन लें, मूसली सफ़ेद, दाना इलायची खुद या छोटी इलायची के दाने, सौंफ या बादियान, कद्दू के बीज या फिर खीरे के बीज और सालब पंजा या सालब मिस्री। ये तमाम बराबर मकदार में लेके इनका इंतहाई बारीक पाउडर बना लें, सुकूफ बना लें। तो ये एक चम्मच चाय वाली सुबह और एक चम्मच चाय वाली शाम हमरा दूध आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये जो खुश्की गर्मी वाला मामला है ये ठीक हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम गर्मी के या हिद्दत के बढ़ जाने की वजह से, हीट के बढ़ जाने की वजह से आपको सर्द का प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मेरी सरत अल अनजाल के ऊपर एक वीडियो है जिसमें उसकी दो किस्में मैंने बताई हैं, एक असाबी और दूसरी गुदी। तो वो गुदी सरत अनजाल वाली जो चीज़ें हैं, जो उसकी ट्रीटमेंट है, वो भी आपको फ़ायदा दे सकती है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नाजरीन, आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के जवाब दूँ, लेकिन कुछ लोगों के जवाब में देर हो जाती है, रह जाते हैं। आप नाराज़ ना हुआ करें, मैं सब लोगों का जवाब देता हूँ और इंशाल्लाह देता रहूँगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो अभी आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मुझे आप मेरे दवाखाना के एड्रेस पे लेटर लिख सकते हैं या बिलमशाबा आप तशरीफ़ ला सकते हैं। एक गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियोस को आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।